देश से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। सिक्किम में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ शुक्रवार को एक बस गहरे खाई में गिर गई है, जिससे 16 आर्मी के जवानों की मौत हो गई। घटनास्थल पर भीड़ जुट गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। यह हादसा उत्तरी सिक्किम के लाचेन से 15 किलोमीटर दूर जेमा इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेना के 3 वाहन सुबह जवानों को लेकर जा रहे थे। ये काफिला चटन से थंगू की ओर जा रहा था। जेमा के रास्ते में एक वाहन का चालक अचानक मोड़ पर खड़ी ढलान की वजह से संतुलन खो बैठा और वाहन नीचे खाई में जा गिरा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अफसर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू कर दिया। बताते चले, 4 घायल जवानों को रेस्क्यू कर निकाला गया, जबकि 3 जूनियर कमिश्नर अधिकारियों और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। भारतीय सेना ने हादसे पर बयान जारी किया है और कहा है कि वो इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। परिजन की हर संभव मदद की जाएगी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी सिक्किम में दुर्घटना में शामिल सेना का वाहन चाटेन से थंगू की ओर जा रहे 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था। मौके पर रेस्क्यू कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।